हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, होली आने वाली है, तो आज हम बनाएंगे होली से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे फन डीआईवाईज। तो आइए चलिए, इसकी ये सारे डीआईवाईज हम सिर्फ क्राफ्ट पेपर से ही बनाएंगे। तो मैंने इतने सारे कलरफुल पेपर्स ले लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी कलरफुल पेपर्स ले सकते हैं। इनसे बहुत ही प्यारे प्यारे डीआईवाई बनाएंगे। आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये इतने बड़े साइज़ का एक पेपर। हम बनाने वाले हैं सबसे पहले बच्चों की फेवरेट पिचकारी, जिसको हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। देखिए, इसको ऐसे रोल कर लेंगे, फेविकॉल लगा के इसको ऐसा एक रोल बना लेंगे इसका। अब हाफ सर्कल कट करके पेपर के, इसके ऊपर हम पिचकारी की जो आगे पॉइंट होता है उसको बना के ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से पिचकारी बन के रेडी हो जाएगी। आप और भी कलर्स में इनको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डीआईवाई है, उसके लिए हम लेंगे इस तरह का थर्माकोल वाला ग्लास, पेपर ग्लास भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम ऐसे कलरफुल शीट्स को चिपका के ऐसे छोटे छोटे अब हमें होली है लिखा हुआ एक बैनर तैयार करना है। आप चाहे तो होली है, हैप्पी होली, रंग बढ़ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कटआउट कट्स कर लिए हैं। अलग अलग कलर्स में करेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार है भाई, होली तो होती ही रंगों की है। नेक्स्ट हम लेंगे एक इस तरह का बॉक्स। आपके पास जो भी बॉक्स हो, बड़ा है छोटा, आप उसको ले सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो इस पर कलर कर दीजिए। मैंने इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी हैं ऊपर कलरफुल पेपर्स के। मैंने इस तरह से ट्राइंगल शेप में ये छोटे छोटे पीसेस कट करके इस पर लगा दिए हैं। बाद में मैंने हैप्पी होली का ये ऐसे वाइट पेपर पर लिख के बैनर तैयार कर लिया है, और ये कलर स्प्लैश के कटआउट्स मैंने पहले ही बना लिए थे। उसको लगा के हम ऐसे इस के साथ पूरा एक छोटा सा प्लेटर तैयार कर लेंगे, जिसमें हम अपने कलर्स रख सकते हैं, खाने की चीज़ें रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला डीआईवाई जो है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो जैसे बच्चों के पुराने गॉगल्स पड़े होते हैं, या आपका भी कोई गॉगल पड़ा होता है, उस पर हम हैप्पी होली इस तरह से लिख कर इसको हम यूज़ करेंगे अपने फ़ोटोशूट में। बच्चों को ये सब बहुत ही पसंद आता है, इसको पहन के फ़ोटो क्लिक कराना, ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है होली में। बाद में मैंने इन सबको एक जगह ऐसे रख के ऐसे एक कॉर्नर तैयार कर लिया था, जहाँ मैंने ऐसे दीवार पर हैप्पी होली का बैनर लगा दिया था। ये सारी जो हमने पिचकारियाँ बनाई थी कलरफुल, उनको इस तरह से अरेंज करके लगा दिया था। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप भी इस तरह से होली पर अपने घर को सजाइए और अपने के साथ होली मनाइए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन सब क्राफ्ट में से कौन सा क्राफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।